कुछ ना करता मोदी मोदी उनका भाग जाओ तो भाग जाओ, मोदी जी तो बोल रहे हैं क्या करने वाले है। जब होमगार्ड की स्ट्रेंथ 10,285 है, 17,000 होमगार्ड कहाँ से आ गए, यो भी एक भ्रष्टाचार का मामला है। ये भ्रष्टाचार के कारण आज तक हमारी बाली नहीं हुई है। पर महिला सशक्तिकरण का नारा देती है मोदी सरकार, कहते हैं महिलाओं के लिए फूट फूट के रो भी पड़ते प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहिए? तो वो ना उनको नजर है ना कि हम यहाँ से कितनी सालों से धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पाएंगे, सबका सबका साथ सबका विकास है भाई, सबका साथ तो होगा पर विकास हमारा होमगार्ड का तो होया नहीं है जी। अंतिम सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ से जो लेटर जाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, और ये समझते नहीं लेटर को, जो समझे ना तो देख रहे होंगे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना। अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे होते तो हमें क्यों रोना पड़ता, हम यहाँ क्यों बैठे होते। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम होमगार्ड जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनकी मांग जो है वो आज की नहीं कम से कम 22 वर्ष की मांग है, और इनकी मांग यही है कि इनको वापस नौकरियों पर लिया जाए। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 22 साल से अभी तक इनकी मांग क्यों नहीं पूरी हुई और किसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किससे मांग कर रहे हैं। तो पहले तो नाम जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। ये बताइए, आप 22 साल से मांग कर रहे हैं पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? 22 साल हम 22 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। जो दिल्ली होमगार्ड का जो कानून था 1969 का, वो 3 साल का था, और इनका कानून 3 साल का, इन्होंने ड्यूटी 10-15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के हम बेरोजगार कर दिए हैं। हम 2001 से निकाले हुए को 98 में निकाल दिया, को 99 में, को 2000 में, को 2001 में 10,285 आदमी होमगार्ड के निकाल दिए गए हैं। जो लोकसभा का 2002 का जो क्वेश्चन है उसमें साफ दे दिया है 17,505 होमगार्ड को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जब होमगार्ड की स्ट्रेंथ 10,285 है, 17,000 होमगार्ड कहाँ से आ गए, यो भी एक भ्रष्टाचार का मामला है। ये भ्रष्टाचार के कारण आज तक हमारी बाली नहीं हुई है, और हमने आज से 1997 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश किए भाई जो ये होमगार्ड के हैं इनकी पॉलिसी बनाई जाए, और 18/4/2000 को पॉलिसी बनाई गई, और पॉलिसी में हमारा 2008 से ले गए 9 तक 1 साल यहाँ धरना चला जंतर मंतर पे। हमने खूब ज्ञापन दिए, खूब मांग करी, 18/4/2000 की जो पॉलिसी है वो हमें बताई जाए, वो सरकार ने बताई नहीं, वो सरकार ने अभी बताई है 2 साल पहले। सरकार ने नहीं बताई क्योंकि 22 वर्ष आपको हो गए मांग करते हुए, अभी 9 साल भाजपा के हुए, इससे पहले कांग्रेस सरकार, कांग्रेस अधिकारी तो वही है, अधिकारी तो बदलते रहते हैं। होमगार्ड विभाग है, होम सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कभी आज तक हमारे को पॉलिसी नहीं दी है, ना हमारे को बताई दी वह पॉलिसी। अभी जब हमने ज्ञापन हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ साल पहले इन्होंने जो नोटिस निकाला है वो 2000 पॉलिसी, 2000 वर्ष की जो पॉलिसी है उसका निकाला है, और इन्होंने 1905/2008 को एक राजपत्र बनाया, उस राजपत्र में उन्होंने दे दिया जो 9 मैट्रिक थे, जो 1980 में 88 में 90 में 94 में जो 9 मैट्रिक भर्ती हुए थे जो 10वीं पास होते उस समय, 1980 में 90 में जो 10वीं पास होते तो अन्य विभागों में होते, होमगार्ड में क्या करते? हम होमगार्ड में थे तो हमने उनसे मांगा भाई जो 80 में 90 में जो भर्ती हुए 9 मैट्रिक हुए हैं, 5/6/2008 का जो राजपत्र है उसमें उनको बेदखल कर दिया 9 मैट्रिक वालों को। अब आपकी मांग क्या है, कितनी मांगे हैं? हमारी मांगे शुरू से यही है, बिना शर्त 60 साल तक हमें बहाल किया जाए, और यही मांग रहे हैं। पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है। कितनी बार सरकार को मेमोरेंडम दे चुके हैं? मेरे पास कम से कम भी 5 बोरे कागजों के भरे हैं जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, उन ज्ञापनों के बदले में माननीय प्रधानमंत्री के वहां से होता एक्शन, गृह मंत्रालय के वहां से होता एक्शन, उसके बाद फिर गृह मंत्रालय सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, फिर उसके बाद होम सेक्रेटरी, फिर होमगार्ड के पास जाता है, होमगार्ड विभाग एक लाइन लग देता है, 5/6/2008 का जो राजपत्र है इसके तहत हम 9 मैट्रिक वाले को नहीं ले सकते। तो मतलब लगातार आपकी 22 वर्षों से मांग को नजरअंदाज किया? हाँ जी, नजरअंदाज किया जा रहा है। जो हमारे साथी थे
जो जिनने 15-20 साल नौकरी की थी वे इस आस में भाई आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, भूखमरी के कारण वे भगवान को प्यारे हो गए हैं। पर रोजगार तो सरकार वादा करती है ना कि रोजगार हम लोग लगातार दे रहे हैं और आगे अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, तो क्या लगता है सरकार अपने वादों पे खरी उतर रही है नहीं उतर रही? नहीं, अभी तक तो 2001 से लेकर 23 आ गया है, 22 साल हो गया हमें, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। कोई भी सरकार आई है, कोई भी मुख्यमंत्री आया, कोई भी LG होया, आज तक हमारे बारे में किसी ने भी 1% नहीं सोची है। अभी 20/11 को अभी माननीय उपराज्यपाल जी ने, मोदी जी के राज में तो सब कुछ व्यवस्था ठीक चल रही है, पर होमगार्ड की हालत ऐसी क्यों? हर महीने माननीय प्रधानमंत्री जी को, हर महीने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देता हूँ मैं हर महीने, और मैंने कम से कम भी 1 साल हो लिया है, हर महीने यहाँ जंतर मंत्र से ज्ञापन देता हूँ। लेकिन आज तक वे अपनी तरफ से फोन भी करते हैं कार्यालय से, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आते हैं, आप हमारी क्या फोन आता है क्या बातचीत, और वे कहते हैं भाई आप हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है। माँ जी संतुष्टि कहाँ से मिलेगी, हमें तो रोजगार भी नहीं मिला है। आप वहाँ लेटर भेजते हो, उन लेटर को मूल्य नहीं मानती सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री के वहां से जो लेटर जाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, और ये समझते नहीं लेटर को, जो समझे न तो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सख्त आदेश हो है, तो हमें 22 सालों की जरूरत नहीं थी, 1 ही महीने में काम होना था। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं, पर ये सरकार कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने जड़ से खत्म कर दिया। नहीं, भ्रष्टाचार 5 से 2008 का मैं आपको राजपत्र दिखाता हूँ, उसमें खुद दिया हुआ है कि जो ये 9 मैट्रिक वाले हैं, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है इसमें एक पटियाला हाउस कोर्ट का जज साहब थे, RK कुछ नाम है उसका, उसको दिया गया था इस मामले को निपटाया जाए, ना तो हमारी वापसी हुई है ना वो मामला निपटा है। हम 2022 आ गया है, और अभी हमने जब 2016 में दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी ने हाथ उठा दिए, मेरे बस की नहीं है, जब हम 2016 में कोर्ट में गए, कैट कोर्ट में गए, कैट कोर्ट में 8-9 महीने चला, फिर हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आदेश किए 17 जनवरी 1984 में, भारत सरकार के आदेश थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, 45 दिन की ट्रेनिंग की है, उनको जितने दिल्ली सरकार के विभाग थे उनमें सब में होमगार्ड आनी थी। एक तरफ होमगार्ड बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए और कर रहे हैं, और एक तरफ सचिवालय, आपने सुना होगा केंद्रीय सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं तमाम होमगार्ड है, सिविल डिफेंस वाले हैं, दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं। पर क्या लग रहा है 22 वर्ष आपको हो गए मांग करते करते, सरकार ने सुना नहीं, आगे क्या लग रहा है सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी? जो अभी सिविल डिफेंस का जो हाल हुआ है ये 99 से लेकर 2008 से लेकर 2001 तक वही हाल हमारा था। मामले में तो अच्छे दिन तो जब आएंगे नुगा, सबका सबका साथ सबका विकास है भाई, सबका साथ तो होगा पर विकास हमारा होमगार्ड का तो होया नहीं है जी। हम भी सरकार क्यों नारा देती है ये हाँ। कोई कुछ भी दे दो, लोकतंत्र है हकीकत में, जो नीचे गए हैं आप लोग ही तो चुनते हैं। आप देखा ना आपने विधानसभा में 3 राज्यों में भाजपा फिर से आई है, आई है लेकिन एक यो हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, और जो एक भेड़ चाल होती है ना वह चाल चली हुई है, लेकिन रोजगार नु कहते हुए रोजगार देते हो, और रोजगार के लगा लो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब में तो जो दिल्ली है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, उसमें रोजगार में बहुत ही परेशानी का मामला हो रहा है। अभी 2024 के 1 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन है, तो अगर मांग पूरी नहीं हुई कुछ खास करने हम तो करते आ रहे हैं, 22 सालों से करते आ रहे हैं, और मेन बात यह है आज 6 दिसंबर 2023 है, आज होमगार्ड का जन्म दिवस है, और जन्म दिवस के मौके पे हमने आज काला दिवस बनाया। और अभी क्या समस्या है बताइए? समस्या बहन जी नौकरी कर रहे थे, भूखे मर रहे हैं, घर के रखते नहीं, मोदी जी तो कह रहे सब सुखी है मेरे, हाँ कुछ ना करता मोदी उनका भाग जाओ, तो भाग जाओ मोदी जी बोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं 2024 लोकसभा में? हमने क्या करना बहन जी, हमने क्या करना बताओ? कुछ तो करना ही होगा। नहीं, हमने तो ये करना है कि जो हमारा विकास नहीं होता है, जो हमारी वाली नहीं होती है, हम अब के न जो अपना जो अधिकार है वोट का अधिकार है, जब हमारा हक नहीं मिलता, जब न्याय नहीं मिलता, तो हमारा वोट का तो अधिकार है। परेशान हूँ मैडम जी, मैं हैवी ड्राइवर हूँ, STVP, मैंने CP तक की गाड़ी चलाई है, लेकिन इनका यूज एंड थ्रू जो अफसर है ना करप्ट है,
नहीं भर्ती करते पैसे मिलते हैं, अफसर है ना, अफसर करप्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम चंद्रपाल तंवर है और हरियाणा का हूँ। दिक्कत क्या है, जो दिक्कत यहाँ पे दिल्ली में हम सपोर्ट में आए हैं इनके लिए, तो दिक्कत वो ये कि भ्रष्टाचार है, जो जवान है उनको हटा दिया बिना नोटिस के। अब 22 साल तो इनको हो गए, ये हाल हरियाणा में है, तो वो क्या करते कि बिना नोटिस के जवानों को मतलब हटा दिया। पहले जो थे इसमें करूँ को थाने के आदमी के पढ़ा लिखा हो, भर्ती होते थे, ट्रेनिंग करते थे, जवान लगते थे। अब इन्होंने क्या किया कि बिना नोटिस के जवानों को मतलब हटा दिया, तो दिक्कत ये है। और भ्रष्टाचार तो है कि नए जवान भर्ती किए इनके बदले में। सरकार कहती है कि हमारे शासन में सब खुशहाल है, तो क्या कहना चाहिए? कोई खुशहाल नहीं मारता, 22 साल हो गए हमारी तो वापसी आज तक नहीं हुई। वापसी नहीं हुई, हम तो बैठे, बेरोजगारी बढ़ गई है आज कल। देखिए आप तमाम यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, महिलाएं बैठी हुई है, एक एक शब्द इनसे भी सुन लेंगे। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? होम गार्ड रह चुकी है, इधर आइए, क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री से, क्या मांग रखना चाहेंगी? हम प्रधानमंत्री जी से यही मांग करना चाहते हैं कि हम इतनी सालों से संघर्ष कर रहे हैं तो हमें वापसी लिया जाए। हर देश में हम होमगार्ड को वापसी, एक्स होमगार्ड को वापसी ले लिया गया, दिल्ली में कोई भी हमारी सरकार क्यों नहीं बात सुनती है? पर महिला सशक्तिकरण का नारा देती है मोदी सरकार, कहते हैं महिलाओं के लिए फूट फूट के रो भी पड़ते प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहिए? तो वो ना उनको नजर है ना कि हम यहाँ से कितनी सालों से धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पे, तो उनके पास सारे हमारे ज्ञापन भी जाते हैं और वैसे भी चैनलों से देख रहे होंगे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, प्रधानमंत्री जी कर रहे होते तो हमें क्यों रोना पड़ता, हम यहाँ क्यों बैठे होते? वो डेली देख रहे होंगे, जब भी हमारा धरना होता है तो उनके पास ज्ञापन भी लिख के भेजते हैं, यहाँ भी मीडिया के चैनल से जाता है, लेकिन उन्हें हमारी तरफ से कोई दिखाई नहीं देता। महिलाओं को, हाँ जी महिला हमारी, हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमें तो बिना मतलब में निकाल दिया गया, कोई पता नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। हम ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी पे ही आ गया, खबर आ गई कि तुम्हें निकाल दिया गया, कोई नोटिस नहीं था। और 22 साल हो गए हम धक्के खा रहे हैं, 22 साल से धक्के खा रहे हैं, चाहते कि हमारी नौकरी वापस मिले, यही मांग है, बिल्कुल यही मांग है। जब हमारी पूरी नहीं हुई मांग, कुछ एक्शन या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हम कोर्ट से, हमने कोर्ट से मैम जी, हम कोर्ट से भी दो बार केस जीते, लेकिन हमारी ये कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा। कोर्ट को जब माने नहीं कर रहे हैं तो हमें तो ये मजबूर कर रहे हैं हर चीज से। हम तो यहाँ तक की है कि अनशन पे बैठने को तैयार है, आत्महत्या करने को तैयार है, क्या करें, फिर भी हमारी गूंगी बहरी सरकार जो हमारी सिर को सुन के नहीं राजी है। 15 साल हमने नौकरी करी है फिर भी एकदम निकाल दिया गया। ये हमारे दिखाई ज्ञापन है, ये ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ऑनरेबल जस्टिस सुनील गौर को ये ऑर्डर गया हुआ है। और ये तमाम इनके जैसे इन्होंने बताया कि कितनी बोरियां भरी हुई हैं आपकी? 5 बोरियां और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है, न्याय नहीं है। ये देखिए ज्ञापन, और ये और जो ये है कोर्ट का भी तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए, कोर्ट भी तो कुछ होगा। हाई कोर्ट ने भी आदेश देने के बाद हमारी सरकार नहीं सुन रही, हमारे डिपार्टमेंट भी बैठा, तो किस लिए हम किसको अच्छा कहें? जब सरकार हमारी अच्छी अच्छी हो तब जब हमें नौकरी दे तब हम सरकार को अच्छा बोलेंगे, ना ही हमारी गवर्नमेंट सरकार सुन रही है, ना ही हमारी दिल्ली सरकार सुन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम होम गार्ड यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से नहीं कम से कम 22 वर्ष से, उम्र भी इनकी लगातार उस वक्त में ये कैसे दिखते होंगे, और आज इनको बुढ़ापा आने को, किसी किसी की आधी उम्र निकल भी गई है और कोई कोई 50 प्लस ये है। और तमाम इन्होंने कहा कि 5 बोरियां भरी हुई हैं ज्ञापनों से, पर सरकार कोई जवाबदेही करने को राजी नहीं है, ना ही इन महिलाओं की आपने सुना जस्टिस यानी कि न्याय देने को राजी नहीं है, पर ये लोग आज यही लगाए हुए हैं और तमाम 22 वर्षों से कयास भी यही कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, जस्टिस मिले। पर देखना यही होगा क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन तमाम होमगार्ड को न्याय मिल पाता है या नहीं, इस पर हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।